भाई हमें कुछ नहीं पता यार क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अलग ही दुनिया है यार। बिल्कुल पता नहीं लोग कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, देखना अजीबोगरीब लोग हैं। मतलब क्या है, मुंह कर रखा है, बाल कर रखे हैं, देखिए इनको देखिए मोगली मोगली हो रहा है, ये अलग ही जापान है। ये तो सब बिहार सोफिस्टिकेटेड वाला नहीं लग रहा है, यहाँ तो रंग बिरंगे से लोग निकल रहे हैं। अभी ये मैडम ना हाथ में ये डब्बा लेके घूम रही, कुछ खाया था कह रही है मैंने डस्टबिन फेंकू, मैंने कहा ओ भाई ये ना जापान है, इंडिया नहीं है, यहाँ डस्टबिन नहीं होते रोड पर। हाँ देखा इंडिया और जापान में कितनी सिमिलैरिटीज है, वहाँ पे भी डस्टबिन नहीं होते, यहाँ पे भी डस्टबिन नहीं होते, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे डस्टबिन इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग अपना कूड़ा अपने साथ घर लेके जाते हैं और इंडिया में लोग वहीं फेंक देते हैं। पिछला ब्लॉग जैसे कि आपने देखा हम लोग नारा घूमने गए थे, तो वहाँ के बाद ना हमने मेट्रो ली और ओसाका आ गए। अब ओसाका में एक्चुअली पहले तो हमने प्लान किया था हम एक दिन रुकेंगे, परंतु फिर हमने प्लान किया यार ज़्यादा कुछ ओसाका में देखने के लिए तो है नहीं, एक जू है, एक्वेरियम है, नाइट लाइफ यहाँ की थोड़ी सी है, लेकिन नाइट लाइफ में हम दोनों का इंटरेस्ट नहीं, तो हमने कहा ओसाका रुक के क्या करना, क्योटो रुक के सुकून से चार दिन, ये लगेज पैक करना अनपैक करना, ये हाँ ये बड़ी गंदी भसड़ होती है भाई यार, सामान ना कम लेके चला करो आप लोग का भाई, इतना मत लाया करो सामान करके, दो लोग पाँच बैग, अरे दो तो ये छोटे वाले भी है ना, दो लोग और तीन बड़े बैग है, जिसमें एक बैग में तो मिस्टर गौर का खाना ही है। चलिए वो हो गया है फुटपाथ, तो हम एक्चुअली ओसाका आ गए, और ओसाका में ना एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है दोतोनबारी, दोतोनबोरी, तो एक रिवर के किनारे एरिया है, अच्छा सा कैफे वैफेज हैं, शॉप्स हैं छोटी मोटी, तो हम एक्चुअली वही देखने के लिए आए हैं। वैसे अगर आप ओसाका आते हो और ओसाका अगर घूमने के लिए आते हो तो यहाँ पर देखो जू है एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा, यहाँ एक्वेरियम है ठीक है, और यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वो एक दो जगहें देखनी है। तो चलो आपके साथ थोड़ी देर मस्ती करते हैं, घूमते हैं जितना हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें आपको दिखाते हैं, और उसके बाद वापस चलेंगे अपने क्योटो। देखो यार इन लोगों की, एक तो किसी भी सिटी में चले जाओ ये इन लोगों का ना लेवल ही अलग है, पता नहीं क्या कह रही हूँ, जापान ना पहले से ही 2030 में जी रहा है। अरे तो एक छोटी छोटी चीजें है ना, तो एक बात सुन, डोरेमोन किस साल में, 2112 साल में है डोरेमोन, डोरेमोन 2012 में आया था और जो उसका क्रिएटर था उसने 2112 का टाइम दिखाया था डोरेमोन का, तो उनके कार्टून भी अब से 100 साल आगे चल रहे हैं। नहीं और ये तो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देखिए, तो छोटी छोटी चीज़ों में लोगों ने इतना रिफाइनमेंट हासिल की हुई है ना, जैसे अगर आपको जैम लगाना हो ब्रेड के साथ तो वो एक ट्यूब सा जैम होता है, उसको ऐसे फोल्ड करो लगा लो बिना हाथ गंदे हुए, ट्रेन में बैठे बैठे आप जैम खा सकते हो, रोड तो क्रॉस करना भाई यहाँ पे बड़ी टेढ़ी की रही, क्योंकि लाइट पर ही कर सकते हो उसके अलावा नहीं कर सकते। बात तो अगर आप पार्टी पीपल नहीं हो तो फिर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वैसा एरिया है हैपनिंग टाइप। देखो उधर स्ट्रीट में हम आपको बाद में लेके चलेंगे, उधर चलते हैं ना शेड में, हाँ वहीं जा रहे हैं। हम दरअसल आप लोगों को ना यहाँ लेकर आए हैं दोतोनबोरी पे, ये जो एरिया है ना टूरिस्ट हब है और यहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन होती है शाम को, अभी हम आ गए हैं शाम को 4:45, हाँ 4:45 हो रहे हैं, यहाँ पे ना 7-8 बजे के बाद जो महफिल लगती है ना, अगर हम यहाँ रुके तो हम आपको दिखाएंगे, चिंता ना करो ये पार्ट आएगा। हाँ और ये जो एरिया है ना ये है नदी के किनारे, तो यहाँ दोनों तरफ मस्त नदी का एरिया बना है, चलिए नीचे चलते हैं वॉक करेंगे वहाँ से। देखो होटल बड़े मस्त हैं यहाँ पर, रोज लिप्स होटल के कलर, मतलब कलरफुल सी जगह है, और नीचे चलते हैं थोड़ा नदी साइड पे बैठते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं पर ही।
बार हैं, कैफे हैं, अमेरिकन हैं, लुजियाना कैफे, नदी है, कैफे कैफे हैं भाई। इधर ग्रैफिटी हो रखी है रोड पर। कैफे सभी ना ये बाहर हो, कैफे सभी यहाँ बाहर लगने शुरू होंगे। नाला है, नदी है, मुझे नहीं पता ओसाका में, लेकिन इसको भी इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, वॉकिंग स्ट्रीट बना दी है, लोग घूम रहे हैं और बोट चल रही है उसके अंदर, क्रूज चल रहे हैं। ये दो तीन बोरी ना, अगर आप ओसाका आते हैं और ओसाका में रुकने का आपका मूड है, फाइंड अ प्लेस इन दोतुनबारी, मस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। और रात की जो लाइफ है उसका तो जवाब ही नहीं है। अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको, हम रुकेंगे यहाँ पर, तब चलेंगे यहाँ से, बने रहिए। देखा दोस्तों आप हमें, यार जैपनीज पागल है यार, गेम्स के लिए ना इतनी गेम्स, और पता नहीं क्या ही खेल रहे हैं। हमारे यहाँ तो स्ट्रीट फाइटर ही होता था, ये कुछ और खेल रहे हैं। नहीं ये तो क्या जुआ चल रहा है यहाँ पर, हाँ वो कॉइन्स, वो जो गोलियाँ आ रही बाद में उसको एक्सचेंज करेंगे वो, तो मतलब ये मतलब जुआ नहीं, मतलब वो है गेम्स, मनी के साथ खेला जा रहा है, पैसों के साथ खेलने वाला गेम था जो आपने अभी देखा, ये मेटेलिक बॉल्स वाला। मैं तो लगा था बच्चों वाले क्यूट गेम्स है, अच्छा पैसे वाला गेम। मैं देखा लोग कितने सारे थे, और ऐसी एक जगह नहीं था भाई, ऐसी पता नहीं कितनी फ्लोर है ऊपर तक, ये देखो पूरी बिल्डिंग है ना, ये ऐसी चीज़ें भरी पड़ी है इसके अंदर, अम्यूजमेंट पार्क है पूरा यार, क्रेजी दीज पीपल आर फॉर द, ये लोग आज भी कॉमिक स्टोरी पढ़ते हैं और मोबाइल पे कॉमिक पढ़ते हैं। ये लेवल नहीं, आज भी नहीं, इनका लेवल बिल्कुल अलग है। अमेजिंग यार, ये दोतुनबारी इलाका मस्त है। चल भाई चल, अभी और एक्सप्लोर करते। आपको कितनी देर हो गई हाथ में ये पैकेट लिए हुए डस्टबिन ढूंढते हुए? एक घंटा होगा। हैं? एक घंटे से आपको डस्टबिन नहीं मिला कहीं? ओके चलो और देखते हैं, हम आपको एग्जैक्ट टाइम बताएंगे हमें कितने घंटे बाद डस्टबिन मिला ओसाका दोतुनबारी इलाके में। दुनिया न जाने कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है, कहाँ पर है, ये देखो स्पीड बास्टिंग, इस बंदे को देख लो गनी कैसा है, क्या यार अलग ही चल रहा है, क्या है इधर फोटो खींच रहे हैं, अलग दुनिया है भाई ये, यंगस्टर्स ही यंगस्टर्स हैं, वो स्पाइडरमैन है वहाँ पर। यहाँ से फोटो खींच रहा है उसका भी अच्छा है। Thank you.
इधर ये ऑक्टोपस नाच रहा है, इधर ये ड्रैगन खड़ा है यार। सामने दुकान पे जाके मेरे लिए एक प्लेट बोला दियो, वेज नूडल्स ले गई हो, सिंगापुर नूडल्स नूडल लाओ, ये हक्का नूडल लाओ, मैं ना मार के बता देगा कि ये तुम लोगों ने इंडियन ने प्लेट चाहिए रे वेज, ऐसा कुछ नहीं होता सीरियसली यार। चलो यही देख लो, कुछ नहीं होगा, ऑक्टोपस मिल रहे हैं। अभी तक हम लोग ना अलग ही जापान में घूम रहे थे और ये जापान बिल्कुल अलग ही है। इधर इधर स्क्रीन चल रही है, ये 2025 एक्सपो, ओहो ट्रैक चल रहा है, कह रहा है मुझे खा लो। हेलो, गौतम बोरी का सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ये राइड, चले इसमें आराम से बैठ के आपको ऊपर तक जाना है, तो पूरा एक राउंड लगा के मेरे को लग रहा है 10 से 15 मिनट में आ जाता है नीचे। क्या है जी का, चलो चलो इस व्हील में चलते हैं, नॉर्मल राइड टिकट एंड ऑल। आइए एंट्री, हर फ्लोर पे लेडीज टॉयलेट है सर, वो ऊपर ही होगी ना टिकट तो। चलिए ऊपर चलते, चलें फेरीज व्हील में, चलिए अंदर से। ये वॉशरूम है, लाइन लगी हुई है, टिकट कितनी है? एक की टिकट है 600 रुपए की, अगर आप 600 येन की टिकट है, और अगर आपके पास ओसाका का पास है तो 500 येन। ओसाका का पास क्या होता है? ओसाका पास चलता है यहाँ पे, अगर आप ओसाका घूमने के लिए आपने वो पास ले रखा है तो तब 500 रुपए का, 500 येन की है, अदरवाइज 600 येन। इंडियन करेंसी में 600 येन मतलब लगभग 330 या 360 थैंक यू भैया। थैंक यू, नाइस सर्विस। हम बैठ गए अंदर, सीट घूमेगी, हम अंदर आ गए फेरी में स्पिलिंग। उसने बोला कि ये आप अभी टाइम है, ये आएगा तो ये रॉड बीच में आएगी। अभी क्या गया? ओ भाई ये तो घूम गया। अच्छा हम दुनिया में आ गए सामने। हाँ तो उसने बोला कि आप बैठे हुए हो और ये रॉड बीच में आएगी, अगर अभी चीज चेंज करनी है तो नाउ इज द टाइम। हमने बोला नहीं, ये डंडा बीच में आने ही को। तो हम फेरी में और ये उठे हम दुनिया से ऊपर यहाँ पर। और हमें क्या मिला है? लकी चार्म फॉर फोर ऑफ फॉर्च्यून, इट इज वेल नोन इन ओसाका। ओके, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ऑसम, ऑन द टॉप ऑफ द ओसाका। ओ यस, सामने देखो भाई साहब, और हम आगे ऊपर, या खाने वाला आदमी ना भी साइड में था थोड़ी देर पहले, सामने था इसका मुंह। हां सही है, पूरा ओसाका का व्यू नजर आएगा। अच्छा क्या फोन किया भाई?
भाई मैं अभी आप लोगों को ना नीचे से भी दिखाऊंगा ये क्या बवाल है और कितने ऊपर हम आ गए हैं। ये नीचे देख रहे हो आप भाई साहब, ये काफी ऊपर गया है, ये 75 मीटर ऊपर आया है। काफी गया, बहुत हो गया, मतलब नीचे इतनी ऊंची बिल्डिंग थी उससे भी ऊपर आ गए हम तो। क्या जोक से लग रही है, घूम रहा है वो देखो, उधर कुशागा पोर्ट है। नो, कितना ऊपर है। अरे नीचे वो रिवर भी नहीं दिख रही अभी तो। अब कहाँ दिखेगा कुछ, रेलवे लाइन नजर आ रही है, ऊपर सारा ओसाका की स्काईलाइन नजर आ रही है। अभी अपन लोग आ रहे हैं नीचे वापस, पूरे 15 मिनट का टूर है ये ऊपर से नीचे आने का। स्नेहा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गोइंग अप? फाइन, कोई डरावना नहीं था, ये डबरोक से ही डर रहे थे। डबरोक क्या होता है? तो और ये तो मेरे को लग रहा है कि टोक्यो में जब हम डिज्नीलैंड जाने वाले ना तो पैसे ही बर्बाद करवाएंगे, राइड में ही नहीं बैठेंगे। किसी राइड में डर लग गया तुम्हें? हाइट से डर लगता है दुनिया में सबको। तब अरे तो किसी राइड में डर लग गया, घूम गए हम, आ जाएंगे। सो व्हेन पीपल विजिट दिस ओसाका रीजन में, तो ये जो एक शॉप आपको नजर आ रही है इची रैमन करके है, ये इचिरान रैमन, ये बहुत फेमस शॉप है। एक्चुअली बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ का लोकल गौतम बारी का, और इसके बाहर हमेशा लाइन लगी रहती है मैक्सिमम टाइम में। देखो ये सारे लोग जो है अभी वेट कर रहे हैं और उधर लाइन लगी हुई है। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पर, तो इनमें से ये सबसे मेन बिल्डिंग है जो बिल्कुल रिवर के किनारे पर है, जो फेरी व्हील है अभी हम गए थे उसके बिल्कुल बराबर में है। ये फेरी व्हील ऊपर ये रहा, ये बराबर में है, बट पूरा नॉनवेज है, वेज इसमें कुछ भी नहीं है, सारे वो रेमन मिलते हैं। जो फेमस है ना वो है, जिसमें जो रेमन मिलते हैं वो पोर्क में जो है वो बॉयल किए जाते हैं, पोर्क ब्रॉथ होता है और पोर्क बेली होता है, उसका यूज होता है। तो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो खाते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, बेस्ट है यहाँ। हाँ ये मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ये मतलब दिल्ली की अपने जैसे बड़े कचौड़ी वाला है या यानीस की वो कुल्फी है वैसे करके ना, दिस इज़ फेमस। और देखो लोग लाइन में लगे हैं खड़े हुए हैं, और ये इनके हर स्टोर के आगे होता है, ऐसे कुछ यहाँ भी होगा। खाना है हमें भी, वही खा ले, करे ट्राई कर, खा सकती है तो खा ले, जा ट्राई कर। यहाँ भी लाइन लगी हुई है, ये मिल रहे ये हैं, ये एरिया ना यार आप पे मिल रहे हैं 500 रुपए के, 500 यहाँ के अंदर मिंट ऑक्टोपस है। हाय हाय, अच्छा मतलब मुझे लगा वो स्वीट्स है। ये देखो लाइन लगी हुई है यहाँ पर, इस स्टोर के लिए लाइन लगी है, कुछ भी होता भाई किसी भी चीज के लिए लाइन लग जाती है, लोग कुछ भी खाते हैं इस एरिया में। उधर मार्केट, इधर मार्केट, सब जगह मार्केट ही मार्केट है। ये है एरिया, और अभी जिस व्हील के ऊपर हम घूम कर आए हैं वो ये व्हील है। आगे से दिखाता हूँ मैं भी आपको। हमारा ओसाका व्लॉग फिलहाल दोतुनबोरी से शुरू हुआ था और वहीं चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा। ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखो कितनी मस्त। आपको एक घंटे लगे खाने के लिए, बवाल है, बहुत बड़ी मार्केट है तो खाने के लिए, खाने ही क्रैप, खाना है क्रैप। हेलो भाई, मुझे क्रैप है ही
सारी इज लाइक सन। सो फ्रेंड्स ये चलता रहेगा यहाँ पर और बस क्या ही बताऊँ, ये जगह बहुत अच्छी है एज अ टूरिस्ट। अगर आप ओसाका आते हैं और दो तीन बारी एरिया में आप शाम को जरूर आइए, इट्स लाइक वर्ल्ड इज हियर। तो सीरियसली, और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, जो जिस तरह का नॉनवेज आपको खाना है यू विल फाइंड इट, और हमारी तरह अगर वेजिटेरियन है यू विल गेट नथिंग। अब हम यहाँ से चल रहे हैं वापस अपने क्योटो, जो शांत बिल्कुल पीसफुल सा है। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में। अरे हाँ, हमारा जो अगला आने वाला ब्लॉग है ना, वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो वेट कीजिए और देखिए हमारा ब्लॉग कहाँ से आएगा, क्योंकि ये दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा आइकॉनिक जगहों में से एक है और हम एक बहुत, मैं बोलूँगा नहीं। चलिए तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवल।